अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी डकी 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 क्या कर रही हो आप? हैं बाहर निकली हुई हो? इनको बाहर निकाला हुआ, जरा थोड़ा सा परशर खोल लें, पाँव शाँव खोल लें। और आज हमने करना है थोड़ा सा काम। वैसे तो रोज़ा हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर ये क्यारा फारिग हो गया, इसमें था धनिया ख़त्म हो गया है। ये क्यारा बनाना है, इसमें भिंडी लगाई थी, मगर ये ऊपर मेरा शहतूत है तो बच्चे औरतें आते हैं आदमी वगैरह तोड़ने, और उन्होंने सारी की सारी फसल का मेरे का यहाँ से कर दिया सत्यानाश। तो जो थोड़े बहुत पौधे बचे हुए हैं उनको रिकवर करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये बनाते हैं इंशाल्लाह ताला आज। बेटा मुर्गे को देखना जरा, ये गोडी कर दी है और अब इसको लेवल करके छोड़ देंगे एक दिन ताकि ये जरा सूख जाए। ये क्यारा बना के अब छोड़ दिया है, एक दो दिन ये पड़ा रहेगा, हवा निकल जाएगी इसमें से। ये रैबिट्स के लिए घास लगाया हुआ है, इसमें पानी चल रहा है। चकंदर बस ख़त्म करना है अब इंशाल्लाह ताला। ये प्याज, ये लहसुन, और ये क्यारा थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा बना के इसके अंदर लेकर आए। टमाटर और मिर्च की पनीर वो लगानी है इंशाल्लाह।
ईमान जी बाबा, बाबा की जान ने नहीं लगानी आप मर्चे बेटा। बंद करो बंद करो। खुला हुआ चलो ठीक है। चलो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पानी लग गया, गोडी हो गई और नई सब्जी लग गई। इसमें पहले मेरा प्लान था एक दो दिन बाद लगाऊं, मगर उतनी देर तक मेरी पनीरी मज़ीद ख़राब हो जाती, तो ये मैंने लगा दिया, मिर्चें लगा दी हैं इसमें। ये बाजरा लगाया हुआ अपने रैबिट्स के लिए, प्याज लहसुन। इसमें पहले लगाई थी मैंने टमाटर और मिर्चें, मगर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, तो अभी फिर दोबारा से लगा दिए। अब देखते हैं कैसा रहता है। ये गोडी कर दिया कि लहसुन यहाँ से निकाल के, और ये पालक भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे बेल वाली सब्जियों का बीज लगा दूँगा इंशाल्लाह। और ये भी प्याज में भी पानी लग गया। बाकी अब अगला काम अब मेरे लॉन का है, इसका घास काफ़ी बड़ा हो गया है और क्यारी भी सफाई मांग रही है, और मेरी साइकिल भी काम मांग रही है। तो अब किसी दिन टाइम निकाल के इस पर मशीन लगाएंगे इंशाल्लाह, और इसकी क्यारियां साफ करेंगे। ये साइड ठीक है माशाल्लाह से। ओके अल्लाह हाफिज़।